नमस्कार दोस्तों, एफटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। ये दोनों करोड़पति भाई पीएम मोदी के लिए सिलते हैं कुर्ते। अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। कुछ इन्हीं लाइनों की तरह है इन दो भाइयों की कहानी, जो अब पीएम मोदी के लिए सिलते हैं कुर्ते। दो भाई जितेंद्र चौहान और बिपिन चौहान नाम के शख्स आज भारत के प्रधानमंत्री के सूट को सिलते हैं, और इनके पास आज 250 करोड़ का टर्नओवर देने वाली कंपनी भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहले से ही अमीर थे। इन दोनों के बचपन में ही पिता का हाथ इनके सिर से हट गया था। इनके पिता ने अचानक सन्यासी बनने का फैसला कर लिया था। छोटी उम्र में इन दो भाइयों ने पिता के घर छोड़ने के बाद अपने परिवार को टेलरिंग करके पाला, और आज वे जेडब्लू जैसी बड़ी और नामी कंपनी के मालिक हैं, जिसका टर्नओवर ही करोड़ों में है। जितेंद्र चौहान और बिपिन चौहान जेडब्लू मेंस्वेयर स्टोर के मालिक हैं। इनकी कंपनी देश की मशहूर हस्तियों के लिए कपड़े बनाती है। इन्होंने 1981 में अपनी कंपनी स्थापित की थी। आज ये देश के शक्तिशाली नेताओं जैसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, गुजरात के कांग्रेस नेता अहमद पटेल, मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी और करसन भाई पटेल जैसे लोगों के लिए कपड़े बनाने के साथ ही अपने सपने को साकार कर रहे हैं। बिपिन बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1989 सेकंड हमारे यहाँ कुर्ते सिलवाते रहे हैं। बड़े लोगों के कपड़े सिलने की वजह से उनकी दुकान को ख्याति मिलने लगी, और धीरे धीरे शहर के सभी बड़े और अमीर लोग उनकी ही दुकान से कपड़े सिलवाने लगे। 1985 सेकंड उन्होंने रेडीमेड कपड़े बनाने शुरू कर दिया, और 9 साल बाद 1995 में अहमदाबाद से सीजी रोड में 2800 स्क्वायर फीट की जगह में कमर्शियल सेंटर खोल दिया। इस शॉप का नाम जेडब्लू रखा गया। उनका बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता गया, और आज देश भर में उनके 51 सेकंड ज्यादा रिटेल स्टोर हैं। इन सभी स्टोर से उन्हें हर साल 250 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर हासिल होता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।